निशाने का योगी सरकार पर फिर वार, फेसबुक पोस्ट में यूपी में महिलाओं के अपराध को बनाया मुद्दा। प्रियंका गांधी ने लिखा, बुलंदशहर, हापुड़, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर की घटनाओं से ये साबित होता है कि महिलाओं को सुरक्षा देने में यूपी सरकार पूरी तरह विफल रही, अपराधी डर नहीं। यूपी के अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने मेरठ में आवंटित डिफेंस कॉरिडोर की जमीन का किया निरीक्षण, अगले महीने कार्य शुरू होने की उम्मीद। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पर किया वार, बताया आरक्षित और असंस्कारी बीजेपी नेता। जेडीयू के साथ जीतनराम मांझी की पार्टी का गठबंधन करीब करीब तय, 20 अगस्त को हो सकता है ऐलान। जम्मू में दिखा हैरान करने वाला नजारा, मामूली बारिश में धंसी सड़क, कई गाड़ियां नीचे गिरी, कॉलोनी के लोगों का आरोप, हर बारिश में बनती है सड़क, लेकिन ठेकेदार जाने किस तरह करता है काम कि एक बरसात भी नहीं गिरती। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नदी की उफनती लहरों में फंसा युवक, चॉपर की मदद से एयरफोर्स ने चलाया बचाव अभियान, कई घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। रुद्रप्रयाग और केदारनाथ धाम में लगातार हो रही है बारिश, बांसवाड़ा में भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे पर रविवार से रास्ता बंद। वडोदरा में विश्वामित्र नदी के उफान से नया संकट, घरों में पनाह ले रहे मगरमच्छ, घरों में घुसे कई मगरमच्छों को अब तक पकड़ा गया, खौफजदा है लोग। कर्नाटक में नारायणपुर डैम से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, रायचूर से यादगीर और कलबुर्गी को जोड़ने वाले पुल पर रोका गया यातायात। सुकमा में सीआरपीएफ जवानों ने मृतक जवान के शव को कंधा देकर पार कराया दरिया, अस्पताल से शव लाते वक्त सैलाब में फंस गई थी एम्बुलेंस। भाई सुशांत सिंह राजपूत की मौत पर इंसाफ की जंग लड़ रही है बहन श्वेता किर्दी, काल भैरव की पूजा की, सच के लिए राह दिखाने के लिए मांगा आशीर्वाद। सुशांत केस को सुब्रमण्यम स्वामी ने महाराष्ट्र सरकार के लिए बताया और वाटरगेट कहा, जब तक नहीं पकड़ा जाएगा गुनहगार तब तक नहीं छोड़ेंगे पीछा। खरगोन में हाईवे पर अजगर ने रोका ट्रैफिक, 12 फीट लंबे अजगर को बाद में किया गया रेस्क्यू। राजौरी में थाना मंडी के किसानों ने फलों की बेहतर खेती कर बनाई अपनी पहचान, बुजुर्ग किसान मकबूल रहना, अच्छी उपज के लिए जीत चुके हैं कई अवार्ड। चुनाव से पहले अमेरिका में भारतीयों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं जो बिडेन, H-1B वीजा नियमों को लचीला बनाने का किया वादा। अमेरिका के अटलांटा में नस्लवाद के खिलाफ हिंसक विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने की पत्थरबाजी तो पुलिस ने किया बल प्रयोग। मॉस्को में बेलारूस दूतावास के सामने महिलाओं का अनूठा प्रदर्शन, गीत गाकर बरसाए फूल। दुनिया में 2,16,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 7,70,000 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका में 55,30,000 के करीब पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, 1,72,000 से ज्यादा की हो चुकी है मौत।